अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं मटेरियल बहुत सा एग्ज़ाम से रिलेटेड, और टैट की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, इंतज़ार में है हम लोग नोटिफिकेशन कब आएंगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हो कि क्या जो है हमारा लेवल रहना चाहिए फिलहाल में पढ़ाई का। फिलहाल तो हमको निगेटिव वातावरण में या नकारात्मक सोच में जाना नहीं है। खैर, आज का वीडियो मैं वेरी वेरी स्पेशल लेकर आया हूँ आपके लिए। आप टैट की तैयारी कर रहे हैं तो टैट की तैयारी के दौरान में मैंने पहले ही कहा था कि जनरल नॉलेज में जो हिस्से है, जैसा 15-20 मार्क के लिए जो भी जनरल नॉलेज हमारे पास है, तो उसमें मेरी नज़र में जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही है इसको बहुत अहमियत देनी चाहिए हमको, चाहे वो हमारे स्टेट की हो या देश की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो। तो हम सब जानते हैं, हम सब क्या पूरी दुनिया जानती है, हाल फिलहाल में जो है कल 18 तारीख को जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है ख़त्म हुआ है, जो कि हर 4 साल के बाद होता है। इसके बारे में जो है पूरी डिटेल्स में आपको, जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी हो या शिक्षक भर्ती महाराष्ट्र की तैयारी हो, आप तमाम से बहुत मौद्देबाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी पूरी मालूमात देने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। तो हम जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इस पर मैं बोलूँ कि सवाल भी कैसे कैसे पूछता है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो बहुत ही जो है फ़ायदेमंद आपके लिए वीडियो रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम फीफा वर्ल्ड कप इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है, कल जो है फाइनल हुआ है, परसों के दिन 18 तारीख को जो है कल फाइनल हुआ है परसों फीफा वर्ल्ड कप का। तो हम बात करते हैं फीफा का अक्सरियत में जो है फुल फॉर्म पूछता है, तो फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, अगर मैं इसकी दूसरा एक फुल फॉर्म बोलूँ जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन ऐसा है उसका। और अगर सीधा साधा जो बोलेंगे तो हम वो पहले वाला जो मैंने आपको बताया, इसकी जो बुनियाद पड़ी, बुनियाद अक्सर पूछता है, तो ये फीफा की बुनियाद जो पड़ी वो 1904 में पड़ी, सन 1904 में पेरिस जो मुल्क है उसके फ्रांस जो उसकी फ्रांस जो है वहाँ पर पेरिस के फ्रांस में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिक में है जो कि स्विट्जरलैंड मुल्क में है, हेडक्वार्टर भी अक्सर पूछता है। फिलहाल के जो इसके प्रेसिडेंट है, अक्सरियत में कोई भी एग्जाम में प्रेसिडेंट पूछता है तो गियानी इन्फेंटिनो, ये जो है उसके प्रेसिडेंट है अभी फीफा के। अगर मैं बात करूँ फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा की बुनियाद अलग पड़ी है और फीफा वर्ल्ड कप कब से शुरुआत हुआ, तो वो हुआ 1930 से शुरुआत है, आज से 92 साल पहले से जो है फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। और फीफा की बुनियाद कब पड़ी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फेडरेशन है फीफा, तो इसकी बुनियाद पड़ी 1904 में और वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई 1930 से। ये बहुत अहम पॉइंट है, आप जहन में रखिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नहीं है, जो जनरली कोई अगर दूसरे हजरात भी देखते तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, चलेगा। तो 211 कंट्रीज़ जो है इसका हिस्सा है फीफा का, पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल लेवल का ये फुटबॉल है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल भी फुटबॉल को माना जाता है। तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत मैंने आपको बता दी, आप चलते हैं हम फीफा जो है वर्ल्ड कप इसके जो है 2022 की तरफ। तो 2022 के फीफा के वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत अहम चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमें थी, अक्सर 32 जो है टीमें पूछी जाती है, और 22वां संस्करण था, यानी कि 22nd जो है एडिशन था उसका, ये भी याद रखिए आप। इसकी विनर टीम जो है वो अर्जेंटीना ने कल जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता, और रनर अप जो रही तो रनर अप था फ्रांस, यानी कि सेकंड जो पोजीशन पे रहा वो फ्रांस था और थर्ड पोजीशन पे क्रोएशिया था, ये बात आपको याद रखना है। पहले नंबर पे जो जिसने जीता है वो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना का ये तीसरी बार था, फ्रांस ये दूसरे नंबर पे रहा और क्रोएशिया ये तीसरे नंबर पे रहा, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट मैच था वो 3-3 से इक्वल हुआ, एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। आयोजक तो जो था इसका, आयोजक जिसने आयोजन किया था वो देश था कतर, ठीक है, कतर ये अरब जो है कंट्री है, गल्फ कंट्री है, और लास्ट का मैच तो 3-3 से इक्वल हुआ। अब बात आती है गोल्डन शूज, जो कि यहाँ पर इस खेल का सबसे बेस्ट जो है सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है गोल्डन शूज, तो इसको दिया गया है किलियन मबाले, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 गोल किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में किलियन मबाले की एक पहचान एक अलग हो गई। अब आती है बात गोल्डन बॉल की, गोल्डन बॉल भी बहुत अहम जो है इसका जो है एक इनाम होता है, तो वो लियोनेल मेस्सी को कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में, तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी को दिया गया गोल्डन बॉल। बेस्ट यंगर प्लेयर, यानी कि सबसे सर्वोत्कृष्ट जो यंग प्लेयर है वो है इजो फर्नांडिस अर्जेंटीना के, इनको दिया गया। मैंने जितनी भी बातें बताई सब जहन में रखते चलना है आपको, और आपको नोट डाउन करना है तो कर भी सकते हैं। उसके बाद में आता है गोल्डन ग्लोव्स, तो गोल्डन ग्लोव्स दिया गया है इमिलियानो मार्टिनेस नामी जो है खिलाड़ी को, जो कि अर्जेंटीना के इमिलियानो मार्टिनेस इनको। अब 2022 है इसके जो शुभंकर, ये जो वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका शुभंकर, यानी ये शुभंकर अगर बोलूँ मैं आपको, तो आइकन जो होता है ना आमतौर पे कोई बर्ड का, कोई या फिर एनिमल वगैरह का, या कुछ अलग से एक आइकन बनाया जाता है हर वर्ल्ड कप का, तो वो वर्ल्ड कप का जो आइकन रहा, जो शुभंकर रहा, वो ला ईब नाम का एक जानवर, ला ईब LAEEB
लाइब, शायद ये उधर का कोई जानवर होगा, एक जानवर है वो लाइब, तो ये भी पूछ सकता है। तो शुभंकर ये आइकन कौन था? फाइनल मैच का जो स्टेडियम था वो लुसाइल स्टेडियम दोहा, जो कतर की राजधानी दोहा है वहां का लुसाइल स्टेडियम। एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत अहम पॉइंट्स है ये पूरे। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड कप किसने जीता, अगर ऐसा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आज तक फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीता है 5 बार, और 4 बार जीता है जर्मनी ने, और 3 बार आज तक जो है अर्जेंटीना ने जीता है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो बातें हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन, फीफा जो 2026 हर 4 साल में होता है तो 26 का होने जा रहा है 3 कंट्रीज में, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। और अब के जो अभी का जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ इसमें 32 टीमें सहभागी हुई थी, लेकिन अगले जो इसमें होंगी तो वो 48 टीमें शामिल होने वाली है, ये बात भी याद रखो। बहुत मेन पॉइंट्स के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा 2023 का वुमेन्स का भी फीफा वर्ल्ड कप है, जैसा मेन्स का आईपीएल, मेन्स का वर्ल्ड कप क्रिकेट और वुमेन्स का भी होता है, वैसा फीफा भी जो है लेडीज का भी होता है। तो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो होने जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने जा रहा है, ये पूरी बातें आपको जहन में रखनी है। अभी का जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका ड्यूरेशन पूछ सकता हो तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक ये चला, ठीक है। और आयोजक मैंने बता दिया कतर है। इसके बॉल का नाम जो था, जो बॉल बनाया गया है उसका जो नाम था वो एडिडास ने बनाया, ये बात याद रखो, एडिडास ने बनाया, अल रिहाल नाम का ये बॉल इस्तेमाल किया गया, जो बॉल था वो अल रिहाल, यानी इसके मायने होते हैं सफर के या यात्रा के। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर जो था वो बायजूस है, इंडिया की पहली कंपनी बनी जो फीफा को जो है स्पॉन्सर कर रही है और वर्ल्ड में मशहूर हो गई इसी की वजह से, बायजूस, ठीक है। ऑफिशियल जो सॉन्ग है वो लाइट द स्काई, ऑफिशियल सॉन्ग का नाम भी पूछता है तो लाइट द स्काई इसका ऑफिशियल सॉन्ग है। इसके अलावा अगर मैं पीछे चलूँ थोड़ा तो 2018 की जो चैंपियन रहा था, 2018 का जनरली पूछ सकता है, पूछेगा तो 2022 का ही, तो फ्रांस रहा है, और जो रनर अप रहा 2018 का वो क्रोएशिया रहा था, और इसको होस्ट किया था रशिया इस देश ने। तो ये बहुत सी मोटी मोटी बातें मैंने आपको इसमें बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो है पसंद आया होगा। अगर वाकई में आपको ये पसंद आया टैट के नुक्ते नजर से, केवीएस के नुक्ते नजर से, या कोई भी जो है इम्तिहान के नुक्ते नजर से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, ये आपको कैसा लगा है आपको मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है चैनल को, और सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।